हेलो गाइस, मैं आज पावर सिस्टम का कोर्स चालू करने जा रहा हूँ। इसमें मैं पावर सिस्टम का फुल पढ़ाऊँगा, डिस्ट्रीब्यूशन पहले, फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद आगे ट्रांसमिशन हो गया, उसके बाद तुम्हारा स्टेबिलिटी फॉल्ट एनालिसिस। तो मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम कुंदन कुमार हुआ और मेरा एमटेक फ्रॉम IIT ISM धनबाद से है। मेरा गेट 2019 में 626 रैंक थी एंड 2020 में 691। ठीक है, तो मैं टाइम वेस्ट किए बिना आगे मूव करना चाहता हूँ। तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज पावर सिस्टम? पावर सिस्टम है क्या? व्हाट इज पावर सिस्टम? ठीक है, तो ये पावर सिस्टम बेसिकली अ कंप्लीट सिस्टम दैट इन्वॉल्व, जो कि क्या इन्वॉल्व करेगा? जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। जनरेशन मीन्स जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है पावर प्लांट में, फिर जो जनरेशन हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे? ट्रांसमिट करेंगे। ट्रांसमिट होने के बाद उसका क्या जाएगा? सब स्टेशन के पास आने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या हो गया? यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? लोड दैट आर कनेक्टेड टू द सिस्टम। ये जो कंप्लीट सिस्टम है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पावर सिस्टम बोलते हैं। एक चीज़ आप बता देना चाहता हूँ, जो मैं ये कोर्स चाह रहा हूँ वो सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा, SSC JEE, स्टेट PSC, PSU, ESC, गेट। इसी कारण मैं टोटल को लेकर चलूँगा, मतलब मैं थ्योरी द डिस्कस करते चलूँगा, ओनली गेट पॉइंट व्यू नहीं कि ऐसा, क्योंकि आज का कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। इस कारण मैं सोचा हूँ कि फुल्ली डिस्क्रिप्ट में दूँ। ठीक है, तो इंडिया में जो है वो फाइव रीजन में ये तुम्हारा बटा हुआ है। ठीक है, जो ग्रिड होता है, ठीक है, जहाँ की ट्रांसमिशन वाला काम होगा, कौन कौन सा है? नॉर्थर्न, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, इन शॉर्ट। ये जो ग्रिड है ये इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे से। ठीक है, वन ग्रिड वन नेशन, वन ग्रिड वन नेशन एंड वन फ्रीक्वेंसी, इसी पे ऑपरेट कर रहा है। पूरे नेशन का एक ग्रिड है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, और सब जो फ्रीक्वेंसी ओनली सिंगल फ्रीक्वेंसी पर तुम्हारा ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत?
होता क्या है कि मान लो यहाँ क्या हो रहा है, जनरेशन वाला काम हो रहा है, ठीक है, ये तुम्हारा क्या होगा, सिंक्रोनस जनरेटर होगा। यहाँ से जनरेट हुआ किस कितने पर होता है, 11 KV पर, इंडिया में यूजली होता है। अब इसको क्या करेगा, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर लगा हुआ रहेगा जो कि ये जो वोल्टेज लेवल को क्या कर देगा, 220 to 765 KV, जितना पर भी ट्रांसमिट किया। क्यों इतने लेवल पर ट्रांसमिट करते हैं वो हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब ये इतने वोल्टेज पर ट्रांसमिट हो गया, अब इसके आगे फिर तुम्हारा क्या आएगा, सब ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पर क्या होगा, ये ग्रिड में आया, अब यहाँ से तुम्हारा ये 33/132 KV में चेंज करेंगे। यहाँ पर क्या होगा, लार्ज कंज्यूमर होगा, जिसको जितना जो तो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होता है उसको कितने की जरूरत होता है, 11 KV, 33 KV। फिर इसके बाद तुम्हारा क्या आएगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, ये किसके लिए होगा, मीडियम लार्ज कंज्यूमर, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा जो हाउस होल्ड साइज 415/240 KV। अब इसका हम डिटेल से आगे भी बताएंगे, ऐसे ही इस शॉर्टकट में तुमको बता रहे हैं कि यहाँ से जनरेशन हुआ, फिर इसके बाद यहाँ आया, फिर ये प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, इसका वोल्टेज लेवल क्या होता है, फिर उसी प्रकार यहाँ पर ट्रांसमिशन भी होता है। ट्रांसमिशन भी दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी ट्रांसमिशन, दूसरे सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ये सब के बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये तो पावर सिस्टम को डिजाइन करते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या होना चाहिए, पहला तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी जो होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ एनर्जी मतलब पर किलोवाट आवर, यही ना होता है मीटर जो लगा हुआ रहता है घर में, मस्ट भी मिनिमम मिनिमम होगा तब तो कंज्यूमर लेगा, हाई कर देंगे तो फिर सब चीज़ का रेट भी हाई हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या है, बी रेटेड, जो वोल्टेज जो होना चाहिए वो रेटेड वैल्यू होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी भी रेटेड वैल्यू होना चाहिए, मस्ट सप्लाई टू कंज्यूमर, ठीक है। अगर ये ज़्यादा रिलेटेड वैल्यू, कोई भी तुम देखते होगे जितना भी इंस्ट्रूमेंट है घर पर इलेक्ट्रिकल, सबका एक वोल्टेज रेटिंग होता है। अगर जो हम सप्लाई जो आ रहा है ये उसी वोल्टेज रेटिंग के अनुसार डिजाइन किया हुआ रहता है, अगर ये वोल्टेज 240 वोल्ट कंज्यूमर के लिए, डोमेस्टिक के लिए रखते हैं, और अगर हम क्या करें 240 की जगह 200 वोल्ट, 190 वोल्ट अगर सेंड करेंगे, तो ये तो बहुत गड़बड़ वाली चीज़ है ना, वो इससे क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा। फिर तुम्हारा क्या हो गया, रिलायबल पावर सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, इफेक्टिव प्रोटेक्शन, इफेक्टिव प्रोटेक्शन कि कोई भी फॉल्ट आए वो पता चल जाए, पता चला फॉल्ट आया इंस्ट्रूमेंट कोई डैमेज कर दिया, पीएस स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें जो कि हमको अभी समझ में आएगा, ये सब अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल से, सभी के बारे में, तो क्या होता है वो सब विजुअलाइज होने लगेगा, ठीक है। कुछ हम बेसिक टर्म के बारे में देखते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। लोड कर्व क्या होता है, किसी को पता है, पता होगा ही, बहुत लोगों को पता होगा,
ऐसा नहीं है। तो लोड कर्व दो क्या होता है? द लोड कर्व ऑन पावर सिस्टम इज सिलेंडम कांस्टेंट। सिलेंडम कांस्टेंट होना मतलब, बोलने का मतलब क्या हुआ? देखो जैसे कि अभी हम घर में ही देखो, कभी बल्ब जलाते हैं, कभी फ्रिज जलाते हैं, तो कभी फैन, मतलब जब मन करता है जब कभी ये चालू करें कभी वो चालू कर दें। इससे तो जो वहाँ जो ऑपरेटिंग कर रहा है उसको तो दिक्कत आ सकता है। तो इसी सब के डिजाइन के लिए लोड कर्व बनाया गया। ये क्या देता है? ये जो होता है डेली वेरिएशन देगा इन लोड ऑन पावर सिस्टम फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब ये जो तुम्हारा जो एक्सिस है वो टाइम आवर को डिनोट करेगा, ठीक है? और ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा क्या एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस तुम्हारा क्या देगा? लोड को डिनोट करेगा, लोड इन किलो वाट या मेगा वाट जो भी है, ठीक है? ये तुम्हारा तो ये ही जो कर्व होता है इसी को हम बोलते हैं डेली, ठीक है? हम आगे करते हैं। तो क्या होता है, पहले हम पहले इसका डिटेल से ज़्यादा डिस्कशन कर लेते हैं। मान लो कि ये जो लोड है वो मेगावाट में है, तो होता क्या है? देखो जैसे कि अभी ये मान लो ये 12 बजे रात का, इसमें तो बहुत कम होगा लोड, मतलब इसमें अब क्या हुआ, एक बहुत 5 बजता है, 5 AM, उस समय से लोड क्या होता है, इंक्रीज करना स्टार्ट होता है, ठीक है? क्योंकि इंडस्ट्रियल और ट्रैक्शन लोड यहाँ से स्टार्ट होना अबाउट 9 PM। 9 PM के अबाउट ये तुम्हारा क्या होता है, पिक पे पहुँच जाता है। 9 AM सॉरी, ये तुम्हारा एम चल रहा है, पिक पे पहुँच गया, ठीक है? और ये तुम्हारा कॉन्स्टेंट लगभग रहेगा, लगभग तुम्हारा कॉन्स्टेंट होता है। फिर तुम्हारा लंच का टाइम होता है 2 बजे के अबाउट, तब तो वहाँ पर जरा सा डीप आएगा, जरा सा लंच के टाइम में 2 PM के अबाउट में, ठीक है? अब फिर क्या होगा, फिर द लोड स्टार्ट इंक्रीजिंग इन द इवनिंग। ये तो अपना यहाँ तक जो ये जो फिका है ये तो अपने यहाँ गेन कर लिया। अब क्या होगा, अब ये इवनिंग में तुम्हारा क्या होगा, स्टार्ट हुआ 7 to 9 PM में, ये क्या होता है, पिक पॉइंट पे पहुंच जाता है, पिक पॉइंट पे पहुंच गया। अब इसके बाद 9 PM के बाद ये डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, इस टाइप से तुम्हारा ये तुम्हारा लोड कर होगा। मतलब हम टाइम टू टाइम पता कर लिए कि जो कंज्यूमर है वो कितना लोड का यूज कर रहा है, पूरे वीकेंड डे में लगभग ऑलमोस्ट इस टाइप का कर्व आता है। लेकिन ओनली संडे, संडे को बहुत सारा ऑफिस बंद होने के कारण ये जो लोड कर्व है वो शिफ्ट हो जाता है। अब जैसे हमको ये पता हो गया कि ये जो कंज्यूमर इस टाइम उतना लोड नहीं डालते हैं, 5 to 9 9 AM होता है तो मैक्सिमम होता है, फिर शाम को और पिक पॉइंट पर जाता है, तो उसके अनुसार हम क्या कर देते हैं, तो पावर प्लांट का जो इनपुट आउटपुट है उसको सेट कर देते हैं। ये बेनिफिट बेनिफिशियल। तो हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन हो गया, तो दो लोड कर्व क्या दे दिया, द वेरिएशन ऑफ लोड ड्यूरिंग डिफरेंट आवर ऑफ द डे, डिफरेंट आवर ऑफ द एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड। ये इंपॉर्टेंट है,
दो एरिया अंडर लोड कर्व जो आ रहा है वो तुम्हारा क्या देगा, एनर्जी डिमांड देगा, है ना। ये लोड है, लोड मेगावाट पावर टाइम है, इसी का ना एरिया निकालते हैं तो एनर्जी निकालता है, एनर्जी डिमांड या एनर्जी डिमांड, एनर्जी। तो इसी का अगर मंथली लोड कर्व जो होता है वो क्या देता है, बिलिंग, इसी से हम बिलिंग करते हैं। और तो यल भी जो एक साल में लोड कर्व जो निकालेंगे वो क्या देगा, प्लान पावर सिस्टम, पावर सिस्टम को प्लान कहेंगे, कैसे डिजाइन करना है, किस टाइम क्या सेट करना है, ये सब तुम्हारा। तो क्या हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ एबव इंफॉर्मेशन द लोड कर्व हेल्प इन डिसाइडिंग, क्या डिसाइड करने में हेल्प करेगा, साइज ऑफ द यूनिट टू बी इंस्टॉल्ड, कितना यूनिट का साइज हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। एंड आल्सो इन प्रिपेयरिंग द शेड्यूल ऑफ ऑपरेशन ऑफ जनरेटिंग, ठीक है। मतलब क्या दे दिया, डिसाइडिंग द साइज ऑफ द यूनिट टू बी इंस्टॉल्ड, कितना इंस्टॉल्ड करेंगे, क्योंकि कितना पावर का अभी जरूरत पड़ रहा है उसके अनुसार। एंड आल्सो इन प्रिपेयरिंग द शेड्यूल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द जनरेटिंग यूनिट, ठीक है। कोई दिक्कत लोड कर्व में तो नहीं होना चाहिए, ये समझा हुआ था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को तो एटलीस्ट इतना तो आना चाहिए कि लोड कर्व मतलब ये डिजाइन कर से, देखो क्वेश्चन हमेशा माइंड में ऐसे तो आता ही है कि कैसे एग्जाम में भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, कि लोड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया अंदर लोड कर्व क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते, आगे क्या है, एक आता है लोड ड्यूरेशन कर्व, लोड कर्व से ही रिलेटेड है, लोड ड्यूरेशन कर्व, ये अनदर टाइप ऑफ कर्व है जो कि इंडिकेट करता है वेरिएशन ऑफ लोड को विद, इसमें क्या अलग चीज है, विद द लोड आरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले ज्यादा कम कम कम, जिस टाइप से लोड है उस टाइप से, बस जो जैसे कि लोड कर्व जो था जो इस टाइप से ना डिनोट किए, अब इसमें क्या कर देंगे, ज्यादा वाला को पहले डिनोट करेंगे फिर उससे कम वाला को फिर कम वाला को, बस यही तुम्हारा मेन इसमें इतना। अब एक तुम्हारा आता है क्या, मास कर्व, ये मास कर्व क्या है, मास कर्व क्या होता है, ये जो होता है दिस कर्व इज प्लॉटेड विथ यूनिट, यूनिट किस में होगा, किलो वाट आवर एट ऑर्डिनेट एंड टाइम एज एब्सिशन, यूनिट को ऑर्डिनेट में, ऑर्डिनेट मतलब बाई एक्सिस एंड टाइम को एक्सिस, दस ए मास कर्व गिव्स द टोटल एनर्जी कंज्यूम बाई द लोड अप टू ए पार्टिकुलर टाइम इन अ डे,
ये कर्व किस चीज में इल्फ करता है, यूज किस लिए किया जाता है, किससे यूज होगा? तो यूज इन द स्टडी ऑफ वेरिएशन बिटवीन द रेट ऑफ वाटर फ्लो एंड द इलेक्ट्रिकल लोड एंड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ नेसेसरी स्टोरीज। यूज किस में होता है? स्टडी ऑफ वेरिएशन बिटवीन रेट ऑफ वाटर फ्लो एंड इलेक्ट्रिकल लोड फॉर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ नेसेसरी स्टोरी। ठीक है, ये सब बेसिक टर्म है, ये सबसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते ही रहता है बहुत सारे एग्जाम में, इसी कारण इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला टर्म ये सब गेट में नहीं आता है, लेकिन लोड कर्व तक तो आता ही है, लेकिन इसके बाद जो भी टर्म बताने जा रहा हूँ वो सब गेट के लिए इम्पोर्टेंट ही है। तो अगला क्या आता है? कनेक्टेड लोड, कनेक्टेड लोड। ये कनेक्टेड लोड क्या है? द सम ऑफ कंटिन्यूअस रेटिंग ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कनेक्टेड टू द सप्लाई सिस्टम इज नोन एज कनेक्टेड। क्या बोल रहे हैं? सम ऑफ रेटिंग ऑफ ऑल लोड कनेक्टेड टू, जितना भी लोड कनेक्टेड है पावर सिस्टम में, सब का सम, सम ऑफ रेटिंग, वेयर इट इज वर्किंग या नॉट इज वर्किंग, वर्क कभी कर रहे हैं नहीं कर रहे उससे मतलब नहीं है, जितना भी टोटल है टोटल को जो सम रेटिंग सबका ऐड कर देंगे वही तुम्हारा कनेक्टेड लोड होगा। जैसे कि देखो, अभी जैसे कि फैन अभी नहीं चल रहा है, बल्ब चल रहा है, फ्रिज नहीं चल रहा है, एसी चल रहा है, लेकिन सभी का जितना सबका रेटिंग है सभी को रेटिंग को ऐड करो। ठीक है, अगला क्या आता है? मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड क्या है? तो जैसा टर्म से लग रहा है ना वैसा इसमें टर्म से कंफ्यूजन भी हो सकता है। इट इज नॉट इज सही दैट ऑल द कनेक्टेड लोड बी स्विच टू ए सिस्टम एट ए टाइम। इसका मतलब ये नहीं कि मैक्सिमम डिमांड है तो सभी का सभी जितना भी कनेक्टेड हो सबको एक बार ऑन कर दो, इसका मतलब ये नहीं है। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल शॉर्ट टाइम इंटरवल, जो शॉर्ट टाइम जो इंटरवल में जो तुम्हारा चीज कर रहे हैं इसमें जो ग्रेटेस्ट है उसको हम बोल रहे हैं एक शॉर्ट टाइम इंटरवल, हाफ आवर या 15 मिनट या 1 आवर, इस दौरान जो तुम्हारा मैक्सिमम जो डिमांड जा रहा है उसी को हम मैक्सिमम डिमांड बोलेंगे। ये नहीं कि एक बार सबको कनेक्ट कर दिए और अब बोल दिए कि मैक्सिमम कितना हो रहा है। ठीक है, इट इज द मैक्सिमम डिमांड विद डिटरमाइन द साइज एंड कॉस्ट ऑफ डिटरमिनेशन। ये क्या डिटरमाइन करेगा? साइज एंड कॉस्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन, क्या साइज होगा क्या कॉस्ट होगा उसका डिटरमाइन करेगा। और आगे आते हैं डिमांड फैक्टर। ये सब टर्म को बहुत अच्छे से समझना क्योंकि इसका यूज अभी करेंगे। ठीक है, अब कौन सा होता है? नंबरिंग तो पता नहीं कौन कौन को बताएंगे। डिमांड फैक्टर, डिमांड फैक्टर क्या होता है?
डीएफ इसको शॉर्ट में बोलते हैं, मैक्सिमम डिमांड अपॉन कनेक्टेड लोड, कनेक्ट मतलब क्या हुआ, रेशियो ऑफ एक्चुअल मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर सिस्टम टू द टोटल रेटेड लोड कनेक्टेड टू द सिस्टम इज कॉल्ड डिमांड फैक्टर। ठीक है, क्या है एक्चुअल मैक्सिमम डिमांड, मतलब इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेस देन यूनिटी होगा, इट ऑलवेज लेस देन। ठीक है, अब क्या आता है, तो डिमांड फैक्टर से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, द कैपेसिटी, कैपेसिटी एंड हेंस कॉस्ट ऑफ पावर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड टू सेल्फ गिवन लोड, कितना कैपेसिटी होगा और कॉस्ट क्या होगा इक्विपमेंट का, उसका डिटरमाइन इससे। अब नेक्स्ट आता है एवरेज लोड या डिमांड, तो इसके बारे में सबको पता होगा कि एवरेज क्या होता है। ठीक है, जैसे कि तुम लोग को पहले भी पता होगा पी एवरेज क्या लिखते थे, 1/T 0 to T PDT मीन्स 1/T EOT लिखते थे, मतलब क्या लिख दें, इसको लिख दें नंबर ऑफ यूनिट जनरेटेड अपॉन पीरियड, यही होगा ना, मतलब क्या हम बोल दें, एवरेज लोड या डिमांड ऑन पावर सिस्टम इज द एवरेज ऑफ लोड अकरिंग एट वेरियस इवेंट, इट कैन बी स्टेट एट इनली डिफर्ड इन ए गिवन पीरियड, इनली डिफर्ड इन ए गिवन पीरियड वाइड अ नंबर ऑफ आवर इन दैट पीरियड। ठीक है, मतलब अगर तुम्हारा बोलेगा डेली एवरेज लोड, अगर बोले डेली का बात किया जाएगा तो किलो वाट आवर सप्लाइड इन अ डे, इन आ डे अपन क्या होगा 24, एक दिन का बात किया जा रहा है, अगर 1 month का बात किया जाएगा तो क्या होगा, किलो वाट आवर सप्लाइड इन अ मंथ अपन कितना होगा 24 into कितना, 1 month का है तो 30 हो जाएगा। अगर एनुअल बात किया जाएगा, अगर क्या बोले एनुअल एवरेज लोड कितना होगा, तो ये ना ईयर बोल दें, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा इंटू कितना दिन हो जाएगा, एक ईयर में 365, कोई दिक्कत। और अगला क्या आता है लोड फैक्टर, लोड फैक्टर क्या होता है, लोड फैक्टर एवरेज डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। ठीक, रेशियो ऑफ एवरेज लोड टू मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम सच अ डे अ मंथ या अ ईयर कुछ भी हो सकता है इज कॉल्ड लोड फैक्टर। देखो क्या होगा, एवरेज डिमांड हमेशा तुम्हारा मैक्सिमम डिमांड से कम होगा, मतलब द लोड फैक्टर का वैल्यू क्या होगा, लेस देन यूनिटी।
है। दूसरे टर्म में भी इसको डिफाइन क्या कर सकते हैं, अगर टाइम से अगर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो ये ऊपर यूनिट बन जाएगा, यूनिट जनरेटेड इन अ गिवन पीरियड अपॉन क्या होगा, मैक्सिमम डिमांड इनटू नंबर ऑफ आवर्स ऑफ ऑपरेशन इन दी गिवन पीरियड। ये होगा ना, देखो ये जो जितना टाइम में ये ऑपरेट कर रहा था उतने से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए, या एवरेज डिमांड में टाइम आवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यूनिट बन जाएगा, और ये जो तुम्हारा मैक्सिमम डिमांड ही है तो ये तुम्हारा ये सेम अलग फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तुम्हारा दो तीन टर्म और है, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूँ, फिर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फिर थैंक यू, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।